गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पर बवाल, विदेशी छात्रों को बनाया गया निशाना, मामले पर क्या बोली यूनिवर्सिटी कुलपति, अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। विदेशी छात्रों से मारपीट के मामले में राज्य सरकार ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आरोप है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अफगानी और अन्य छात्रों पर देर रात अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए और हॉस्टल परिसर में घुसकर विदेशी छात्रों की पिटाई की। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि भीड़ ने छात्रों पर पथराव किया और हॉस्टल में तोड़फोड़ भी की है। वहीं मामले को लेकर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर और पुलिस प्रशासन का भी बयान सामने आया है। देखिए उन्होंने मामले पर क्या कुछ कहा। शाम को लगभग 10:30 बजे विदेशी स्टूडेंट्स जहां रहते हैं उस हॉस्टल में कुछ घटना बनी है। हमारे यहां लगभग 300 विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उसमें से 75 स्टूडेंट्स ए ब्लॉक में, विदेशी विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड ब्लॉक है उसमें रहते हैं। रात को दो ग्रुप्स में घर्षण हुआ। इस संघर्ष में बात कुछ ज्यादा बढ़ गई और हमारे कुछ विदेशी विद्यार्थियों को चोटें भी आई हैं। तुरंत ही हम लोगों ने FIR करवाई है और सरकार ने भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है, पुलिस ने भी लिया है, तपास चल रही है। इसके बाद जो भी होगा, ये अभी कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, पुलिस वही तपास कर रही है कि ट्रिगर पॉइंट क्या था और उसी के बाद हम स्पष्टता से कह सकेंगे। और कुछ सेफम स्काफ वाले लगे थे, पुलिस ने शायद उसी आधार पर कुछ चिन्हित किया है, ऐसा कमिश्नर सर ने भी बताया और हम लोग भी आपको सूचित करेंगे। जहां रात को करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक होटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे नमाज पढ़ रहे थे, कुछ 20 से 25 लोग आए। उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पे उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है, बाहर से जो लोग आए हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस 100 नंबर ऊपर रात को 10:51 पे कोई किसी ने फोन किया है यहाँ के बारे में, तुरंत 5 मिनट में 11:56 पर यहाँ PCR वैन आ गई है और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। FIR हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में और पुलिस ने अपनी हमारी कुल 9 दी हैं, 4 की हैं और 5 DCP लोकल हैं उनके अंडर की हैं। और इसकी पूरा जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। एक आदमी का अभी तक मैं बता सकता हूं कि आइडेंटिफाई हो चुका है और बाकी लोगों की भी शिनाख्त कर ली जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहां कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूरा अंडर कंट्रोल है, किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो छोटा मोटा ये इंसिडेंस के नाम पे, कॉमनल के नाम पे कुछ ऐसा करते हैं। पुलिस पहले भी कड़क कार्रवाई करती रही है और आगे भी कड़क कार्रवाई करती रहेगी।